हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। ज्योति भारती खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पनीर भुर्जी। बहुत ही इजी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके पास घर में पनीर अवेलेबल नहीं है और दूध फट जाता है, या आप दूध फाड़ कर भी जो पनीर से छेना तैयार होता है उससे आप पनीर भुर्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज को इस तरीके से बारीक टुकड़ों में चॉप कर दिया है, और यहाँ पर एक टमाटर को हमने कट करके रखा है, बारीक चॉप करके रखा है। यहाँ पर एक चम्मच मैंने बेसन लिया है, क्योंकि हम एकदम ढाबा स्टाइल यहाँ पर पनीर भुर्जी बनाकर तैयार करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है एक चम्मच। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, पनीर को हम ग्रेट नहीं करेंगे, या किसी किसनी से या छलनी की सहायता से ग्रेट नहीं करेंगे, पीसेंगे नहीं उसे, केवल हाथ की सहायता से इस तरीके से टुकड़ों टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो इससे जो पनीर भुर्जी बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनती है, और दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो देखिए, मैंने पनीर के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, उसे ग्रेट नहीं किया है। अगर आप इस तरीके से पनीर को ग्रेट करके पनीर भुर्जी बनाते हैं तो आपकी जो पनीर भुर्जी है वो देखने में और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, और एकदम अच्छा टेक्चर आता है पनीर भुर्जी का। तो देखिए, हमने पनीर को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है, तो चलिए इससे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक हमने गैस पर पैन रख दिया है, गैस की फ्लेम हमने अभी मीडियम रखा है, और हमने 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है। आप जो भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद हमने चेक कर लिया है कि यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा गोल्डन कलर होने पर हमने यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे, हल्का गोल्डन कलर होने तक, सुनहरा होने तक हम इसे इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। ये बहुत ही इजी है और बहुत कम टाइम में पककर तैयार हो जाती है। अगर आपका कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है, अगर आपके पास घर में पनीर अवेलेबल है, या फिर दूध फाड़कर आप छेना बनाकर पनीर बना सकते हैं, और इस तरीके से जल्दी ही आप पनीर भुर्जी बनाकर खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चॉप किया हुआ टमाटर और लहसुन अदरक का जो पेस्ट था, ये होममेड पेस्ट है जो मैं घर पर बनाकर रखती हूँ ऑलवेज़, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, और कंटिन्यू चलाते हुए देखिए इस तरीके से मिक्स कर दिया है। और 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाए, थोड़े से मैश हो जाए। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इसका टेक्सचर चेंज हो चुका है, हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से गलने लगे हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे इसे एक तरफ साइड कर देंगे, और अब हम पकाएंगे बेसन। जो हमने बेसन लिया है वो हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए बेसन को इसके अंदर ऐड कर दिया है, और उसे 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाएंगे ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो निकल जाए और बेसन अच्छे से भुन जाए। जैसे ही आप बेसन तेल में भुनने लगते हैं, आपके किचन में एकदम सोनी सोनी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है बेसन की। तो इसे गोल्डन कलर, हल्का गोल्डन कलर होने तक हम इसे इस तरीके से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे बेसन के अंदर। तो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अच्छे से मिश्रण को, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाते हैं। तो यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच लिया है गरम मसाला, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं, और 1/2 चम्मच हमने चाट मसाला का यूज़ किया है। इससे हमारी जो फ्लेवर है पनीर भुर्जी का वो बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे, और थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच छोटी चम्मच पानी डालकर हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा बेसन है और बाकी के सारे स्पाइसेस मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग 5 से 7 चम्मच का यूज़ किया है पानी का, और देखिए इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए, अच्छा सा फ्लेवर आए उसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी कसूरी मेथी हमने हाथ पे क्रश करके इसके अंदर डाल दी है। कसूरी मेथी से और भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनने वाला है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है जो पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर रखा था, वो इसमें ऐड कर दिया है। आपको मैं बेसन का एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप बेसन डालते हैं पनीर भुर्जी में तो आपकी जो पनीर भुर्जी बनती है वो एकदम रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल बनती है। क्योंकि ढाबे में आपने पनीर भुर्जी खाया होगा या फिर रेस्टोरेंट में, तो जो टेस्ट आता है वो एकदम ऐसा ही टेस्ट लाता है बेसन। तो बेसन आप अगर डाल के बनाएंगे तो आपकी एकदम पनीर भुर्जी रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल बनती है। यहाँ पर हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है, गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी थी, और यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट के अंदर हम इसे सर्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गर्मा गर्म पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। आप इसे गार्निश कर सकते हैं हरे धनिया की पत्ती के साथ, हरी मिर्ची के साथ, नींबू के साथ,
हमारी गर्मा गर्म पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। ये बहुत ही डेलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनी है और हमने इसे सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल दिया है। आप इसे हरे धनिया की पत्ती के साथ गार्निश कर सकते हैं या हरी मिर्ची के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं केवल हरी मिर्ची के साथ इसे गार्निश कर रही हूँ। तो देखिए, हमारी डेलीशियस पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डेलीशियस बनकर तैयार हुई है। आप इसे गर्म गर्म चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, पास से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छी शाही जैसी हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन इस तरह की रेसिपी आने पर आपको मिले। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।